केंद्र सरकार द्वारा जो संसद में 3 तलाक से संबंधित विधेयक पेश किया गया है, उसके संबंध में हमारी जो अपनी राय है वो किसी पार्टी या किसी पद से नहीं है, वो मेरी निहायत व्यक्तिगत राय है। उसको हमने मीडिया में, अखबार में एक आलेख के जरिए, एक आर्टिकल के जरिए हमने लिखा भी है, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी दो इंसान के बीच के संबंध को, उसमें भी खास तौर से पति पत्नी के बीच के संबंध को कानून बनाकर या फिर सजा का प्रावधान करके न उसको तोड़ा जा सकता है न उसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कोई भी रिश्ता दो इंसानों के बीच का रिश्ता और पति पत्नी के बीच का तो रिश्ता और ज्यादा, यह सिर्फ और सिर्फ भरोसा और आपसी प्यार मोहब्बत के बल पर चलता है। उसको कानून बना के न आप तोड़ सकते हैं न जोड़ सकते हैं। और अभी जो यह बिल आया है, इस बिल में जो हम लोगों के समझ से जो सजा का प्रावधान किया गया है वो हम लोगों की समझ से मुनासिब नहीं है, इसलिए कि आखिर कोई व्यक्ति अपने पत्नी को तलाक देना चाहता है और वो जिस प्रक्रिया से तलाक देता है वो अगर उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है, गलत है, तो सरकार या कानून या व्यवस्था यह कह सकती है कि यह तलाक आपका वैलिड नहीं है, मतलब वैध नहीं है, मैंने आपका तलाक नहीं हुआ। यहाँ तक तो हो सकता है, अगर सरकार चाहे कानून बना रही है कि भाई यह तलाक वैलिड नहीं है, लेकिन अब वैलिड नहीं है तो इसके लिए आपको हम सजा कर देंगे 3 साल तक। अब ये सोच के देखिए कि अगर कोई आदमी जो तलाक देना चाह रहा है, तलाक हो जाने की स्थिति में भी उसको खर्चा पानी चलाने की प्रथा है, व्यवस्था है, या फिर नहीं होने की स्थिति में तो और ज़्यादा उसको सारी व्यवस्था, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। और शौहर या पति अगर तलाक देना चाहता है और कानून में उसका ये अपराध साबित करके उसको जेल भेज दिया जाता है, इससे कौन सा रिश्ता सुधर जाएगा या बन जाएगा? इसलिए मेरी समझ से ये प्रावधान, सजा वाले प्रावधान पर तो निश्चित रूप से पुनर्विचार होना चाहिए, और पुनर्विचार का जो तरीका होना चाहिए, सबसे अधिक जरूरी बात होती है कि आप उस समुदाय को, जिस समुदाय के लिए आप किसी कानून या नियम को बनाने जा रहे हैं, उस समुदाय के लोगों को भी विश्वास में लेना चाहिए। और ये हमारा अनुभव रहा है, और यह सिर्फ अल्पसंख्यक समाज की बात नहीं है, बहुसंख्यक समाज में भी जो कानून बिना समाज के सहयोग या बिना समाज के इन्वॉल्वमेंट के जो कानून बने, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों नहीं हों, उनका कारगर इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाता है। दहेज का ही कानून ले लीजिए, कानून बना हुआ है लेकिन समाज उसको पूरा पूरी डाइजेस्ट नहीं किया है, इसलिए कानून अपनी जगह है और जो उसकी व्यवस्था है, कोई हम बोले तो आप जानिए सो बात नहीं है, दुनिया जान रही है। तो और उसमें भी जब आप सजा का प्रावधान कर रहे हैं तो इस हालत में थोड़ा उस समाज के लोगों से भी बात करके कि इसका क्या निराकरण हो सकता है उस पर जरूर बात करनी चाहिए, वरना इससे आपसी रिश्तों की तलखी और बढ़ेगी न घटेगी, न इससे कोई सुलह होगा, न इससे कोई निराकरण होगा, न निवारण होगा, इससे और परेशानी और लोगों के बीच के रिश्ते की खटास बढ़ेगी। इसलिए हम लोगों की जो सोच है
तो इस पे उस समुदाय के लोगों को भी विश्वास में लेना चाहिए और दूसरी ओर उस समुदाय के लोगों को भी जो वर्तमान हालात हैं उसमें समाज के हित में जो बातें हो सकती हैं उसके हिसाब से फैसला लेना चाहिए। क्योंकि कुरान और हदीस ने ही इजमा और इज्तिहाद का प्रावधान किया है कि अगर कहीं कोई ऐसी परंपरा चली आ रही है जिससे आज के समय में समाज या उसके लोगों को उससे परेशानी हो रही है तो हमारा कुरान और हदीस ही हमको रास्ता दिखाता है कि भाई आप समय के हिसाब से सही रास्ता चुन सकते हो, ये कोई इस्लामी रिवाज या इस्लामी उसूल के खिलाफ नहीं है, आप समाज के हित में अगर अच्छे रास्ते पर। तो उस हिसाब से जो समाज है उनको भी आगे बढ़ने के तरीके पर, जो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा उस पर विचार करना चाहिए। जो समाज या परिवार के विभिन्न लोगों के बीच रिश्ते हैं, खासतौर से पति पत्नी के बीच, वो कैसे मजबूत हों, आपसी जो विश्वास और भरोसे का वातावरण होता है वो कैसे अच्छा हो, इसके लिए जो सामाजिक पहल करना चाहिए वो भी होनी चाहिए। लेकिन कानून के इस रूप में कि इसके लिए सजा हो जाए, मेरे ढंग से ये मुनासिब